कम्युनिकेशन की जो फील्ड पब्लिसिटी डिवीजन है, उन्होंने यहाँ पे एक रजौरी के अंदर एक आउटरीच प्रोग्राम रखा है। उसका थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके तहत उन्होंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रजौरी के अंदर एक 2 दिन का प्रोग्राम रखा है। इसके तहत जो है ये बच्चों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही साथ एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी उन्होंने लगाई है, जो भारत का जो हमारा गोल्डन इतिहास है हमारा, जो उसके बारे में उन्होंने बताया। 1757 से बैटल ऑफ प्लासी से लेकर पूरा इंडिपेंडेंस तक पूरा एक सफ़र जो है वो इन्होंने दर्शाया है उस एग्जीबिशन के साथ साथ। साथ में इनका जो एक मेन मकसद है कि स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे हमारे, उनमें तो हम सब लोगों को याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो लोग, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा था लेकिन हम उनकी जो उनकी बारे में इतना नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में भी इन्होंने उस प्रदर्शनी में बताया है और अपनी बातों से लोगों को बता रहे हैं। तो उन लोगों का जिनके हम कंट्रीब्यूशन को इतनी महत्वता नहीं देते हैं या जितने उनको याद नहीं करते हैं, उन लोगों की कंट्रीब्यूशन के लिए भी इन्होंने एक एग्जीबिशन को लगाया है। मैं इनको पूरी कंग्रेचुलेशन देता हूँ कि बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और पार्टिसिपेशन लेवल बहुत हाई है। जो हमारे टारगेट, जिस पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं, यंग यूथ जो है हमारे 11th 12th के बच्चे और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि पूरे बच्चों ने ये सीट्स भरी हुई हैं। तो इनका प्रोग्राम एक सक्सेसफुल प्रोग्राम मैं मानूंगा उसे। तो मैं पूरा इनको कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ तरीके से फुल भरा रहेगा और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट की स्कीमों को लोगों तक पहुँचाता है। रेडियो, दूरदर्शन के अलावा जो हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, ये डायरेक्ट लोगों तक गांव देहात में जाकर मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मुख्तलिफ तरीक़ों से जानकारी देता है। जैसे आपने आज जो राजौरी में हमने एग्जीबिशन लगाया हुआ है, इसमें एक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है और 1857 से लेकर 1947 तक जितनी भी एक्टिविटीज़ रही हैं आज़ादी के लिए उसको दर्शाया गया है, और साथ साथ में हम डिफरेंट लोगों से एक्सपर्ट जो हैं वो स्कीमों के बारे में बता रहे हैं। स्कीमों का जैसे कि मैंने आपने अभी खिताब में अर्ज किया था कि बच्चे के पैदा होने से पहले से लेकर बच्चे अगर बड़ा होके जो मर जाता है, अगर उसके दफनाने या कफनाने या उसका क्रियाकर्म करने के लिए अपना कोई इंतज़ाम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने वो स्कीम भी बना के रखी हुई है जो कि सोसाइटी के द्वारा वो करवाती है। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी, मीडिया में हैं आप लोग, कि ICDS की स्कीमें हैं, PMGSY की स्कीम है, जो गरीब लोगों के लिए मकान बनाने की स्कीम है, इसी तरह से जो ये बूढ़े या बुज़ुर्गों को उनकी पेंशन की स्कीम है, वो सारी स्कीमें जो हैं वो गवर्नमेंट ने तैयार करके रखी हुई हैं। अब जो कमी है वो ये है कि उसमें वो लोगों तक वो जानकारी पहुंचती नहीं है। अगर कहीं पे पहुंचती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, हम शायद हमें कितनी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कौन कौन सी फॉर्मेलिटी जो है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो उसके वजह से शायद वो डर के रहते हैं। लेकिन मैं इस प्रोग्राम से और ख़ास करके जो मीडिया है आपके ज़रिए लोगों को ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि आप सामने आइए। आज की बहुत सारी जो सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं वो ऑनलाइन हैं, और उसके साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो उसके लिए आपके कागजात चाहिए, जो पेपर चाहिए, उनमें कमी ला दी गई है, क्योंकि आधार के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जोड़ दी गई हैं। इसलिए जो गांव देहात और राजौरी के जैसे बुद्दल, खवास, थन्ना मंडी के दूर दराज इलाके हैं, इसी तरह से सुंदरबनी और नौशहरा के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे वो स्कीमें, जो सेंटर की स्कीमें हैं, चाहे वो सड़कों की हों, बिजली की हों, रूरल डेवलपमेंट की हों, सैनिटेशन की हों, या अर्बन एरिया में भी जो गरीब लोगों के लिए, झुग्गी झोंपड़ी वाले जो लोग हैं उनके लिए मकानों की जो स्कीम है उसके लिए वो सामने आए। और आज यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में DC साहब भी थे, DC साहब तक जाएं, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है आपका, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है, अर्बन इलाके जो हैं, शहरी इलाके, वो उनके पास जा सकते हैं, और जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं जैसे पंच वगैरह और अब DDC मेंबर और जो बाकी लोग हैं, उनके ज़रिए आप जो स्कीमें हैं वो इंतज़ामिया तक पहुंचा सकते हैं, और कहीं पे अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो उसकी बात भी जो है वो इंतज़ामिया तक पहुंचा सकते हैं। और नरेगा का आपने देखा होगा, बड़ी एक कामयाब और इंटरनेशनल लेवल पे ये कामयाब स्कीम है। उसमें ये है कि ऑनलाइन आपको रोज़गार मिलता है, और वो सारी जानकारी जो है वो ऑनलाइन सब तक पहुँचती है। उसमें पहले ये था कि अगर कोई
धोखे से काम के दिन तो वो मजदूरी तो ले लेते थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो बाथरूम जैसे के बना रहे हैं गांव देहात में, या सड़कें बना रहे हैं, उनको गूगल के ज़रिए टैग किया जाता है। तो जो ट्रांसपेरेंसी इन स्कीमों के लाने में लाई गई है, वो सारी जानकारी भी हम लोगों तक पहुँचाएँगे। और हमारा 3 दिन तक यहाँ पर ये प्रोग्राम रहेगा। इसके साथ साथ में जो थीम पर मबनी जो प्रोग्राम है, जैसे हमारे जो रजिस्टर्ड ट्रूप्स हैं, कल्चरल आइटम, वो भी पेश करके लोगों की दिलचस्पी इन स्कीमों के बारे में बढ़ाएं।